हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड दर्शन के नए एपिसोड के साथ। और मैं खड़ा हूँ अभी घाट रोड पे, और ये देखिए सामने ये रोड जा रही है घाट की तरफ। और आज मुझे जाना है नंदा धाम कुरूड़, तो मैं आपको वहाँ का व्यू लेके आऊँगा, क्योंकि माता नंदा अपने गर्भगृह में कल जा चुकी हैं, लेकिन आज वहाँ पर पूजा अर्चन और क्या कहते हैं हवन का आयोजन है, जिसमें कि आप लोगों को मैं वहाँ का व्यू दिखाऊंगा, कैसा वहाँ पे आज का माहौल है और क्या माता नंदा जो अपने कैलाश से होकर के वापस आई हैं, तो वहाँ पे का कैसा आप दृश्य है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ जो अभी फोटोशूट पे लगे हुए हैं, और अभी हम खड़े हैं, एक झरना है यहाँ पे घाट रोड पे, अगर आप आओगे तो आजकल एक झरना दिखेगा आपको, वहाँ पे खड़े हैं। और हमें जाना है घाट, उसके बाद कुरूड़। अगर मैं घाट की बात करूँ तो घाट आने के लिए आपको सबसे पहले नंदप्रयाग आना है, तो आप कोपेश्वर से नंदप्रयाग 15 किलोमीटर आइए, चाहे 20 किलोमीटर कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग आइए। और नंदप्रयाग से जो राइट हैंड पे एक रोड आती है, उस रोड पे आपको आना है, और घाट आपको मिलेगा लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर, और उसके बाद आपको लगभग 6 किलोमीटर और चलना है कुरूड़ के लिए। तो हम चलते हैं माँ नंदा धाम कुरूड़ की तरफ, बने रहे हमारे साथ। उत्तराखंड दर्शन आप सभी का स्वागत करता है, आप सभी का अभिनंदन करता है, और बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये है घाट मार्केट का एरिया, देखिए आप, और बहुत सुंदर सा एक सुंदर सा आपको अगर दृश्य दिख रहा है, ऐसा पूरा घाट है, और आप देखिए कि एक यहाँ पे काफ़ी अब तो काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। और यहीं से हमें जाना है कुरूड़ के लिए, कुरूड़ जो पड़ता है यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर। और ये जो नदी आ रही है ये नंदाकिनी है, यहाँ जो यहाँ से आप अगर आगे नंदप्रयाग जाओगे तो नंदप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलकर के अलकनंदा बन जाती है। तो अभी ये घाट मार्केट है, और उसके बाद हमने जाना है कुरूड़ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने जहाँ हमने जाना है माँ नंदा के धाम में। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं माता नंदा धाम कुरूड़ में, और आप देखोगे कि जस्ट सामने मेरे यहाँ पे अगर देखोगे आप, यहाँ पे माता नंदा के लिए के मंदिर जाने के लिए गेट बना हुआ है, और राजराजेश्वरी सिद्धपीठ कुरूड़ लिखा हुआ है, देखिए। तो मंदिर की ओर हमने प्रस्थान करना है, ज़्यादा दूर तो नहीं है ये, सड़क से लगभग आधा किलोमीटर ही मान लीजिए, और यहाँ से मंदिर आधा किलोमीटर दूर है। और ये देखिए कि कुछ इस तरीके से रास्ता है। फ्रेंड्स, मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, और ये सीढ़ियां हैं आपको चढ़नी है, जो और कुछ दूरी पर आपको मंदिर मिलेगा, तो चलते हैं मंदिर की ओर। ये मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज मेरे साथ मंदिर की ओर, और आज घर से ही मेरे साथ हैं।
फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं मानंदा धाम करोड़ और मंदिर आपको सामने दिख रहा है। आप एक भव्य गेट जो आपको दिखाई दे रहा है मंदिर के सामने, और ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे प्रांगण बना हुआ है जिसमें पूरा टिन सेट कवर है, और उसमें शायद जब भी बड़ा कोई फंक्शन होता है तो वहीं पे किया जाता है। और मंदिर की ओर हम लोग चलते हैं अभी। चलिए मंदिर की तरफ। फ्रेंड्स मैं हूँ आज नंदा देवी सिद्धपीठ करूड़ में, और अभी अभी हम मंदिर प्रांगण में बैठे हुए हैं, मंदिर के सामने बैठे हुए हैं। देखिए आप अंदर, तो अंदर आपका गर्भगृह आपको दिखाई देगा। वहाँ जाने की परमिशन किसी को है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं हमारे साथ बैठे हुए, तो वो यहाँ के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि माता का यहाँ पे मायका है और किस प्रकार से माता यहाँ पे आई, तो उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी ये बताएंगे। तो पंडित जी आप बताइए। हाँ, तो मैं देवी के बारे में जानकारी के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं मनसाराम शास्त्री कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मण ग्राम कुरूर और से दसोली मंडल से नंदा देवी के बारे में अपने विचार जो हमने अपने पूर्वजों के द्वारा अवगत किया है उन्हीं को मैं व्यक्त करने जा रहा हूँ। तो माँ नंदा भगवती नामम या भविष्यति नंदा स्थिता पूजता भक्ता बसी कुरिया जगत। माँ नंदा आद्य शक्ति हैं। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के रूप में, नवदुर्गा के रूप में, सिद्धात्री के रूप में यहाँ सुपूजित होती है। नंदा देवी का यहाँ सिद्ध पीठ है, और ये सिद्ध पीठ हमारे परम्परागत मतलब कहीं वैदिक काल से आदि गुरु शंकराचार्य की प्रेरणा से यहाँ पर नंदा देवी सिद्धपीठ का लक्ष्मी के रूप में स्थापना की गई थी। बाद में धीरे धीरे बढ़ के नंदा देवी और क्या मूर्ति यहाँ भूमंडल से निकली हुई है। जो आपिर लिंग है वो नंदा देवी का यहाँ पर धरती से निकला हुआ है, इसलिए नंदा देवी परम गोप्या यत्रे वास्ती सुरार्चिता
यदकाम फला नित्यम यदकाम फला प्रदा। नंदा देवी की यहाँ भक्तों के द्वारा अभिलाषा के प्राप्त करने के लिए गुप्त पूजा की जाती है। भावनम भावम मिच्छन्ति देवता, भाव रूप से देवी उन मतलब भक्तों की अभिलाषाएँ परिपूर्ण कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देवी का जो आविर्भूत पाषाण लिंग नीला है, जिन्हें शिलामूर्ति के रूप से बोला जाता है, तो शिलामूर्ति केवल मात्र 4 अंगुल की हैं, जिनकी स्थापना पृथ्वी धरती में की गई है। ये गर्भगृह आप देख रहे हैं, गर्भगृह के अंदर देवी का जो है सिंहासन विराजमान। जब शिलामूर्ति इधर उधर नहीं जाती तब देवी क्या जो है स्वर्णिम मूर्ति बना करके, रतन मूर्ति बना करके डोली में, उत्सव डोली में आसीन करके सर्वत्र दसोली बलार नंदाक और दो डोलियों के बीच में देवी भ्रमण करती है संपूर्ण गढ़वाल में, और ज़्यादातर बदान दसोली और नंदाक में। तो दसोली में जो डोली चलती है वो देवी नंदा देवी शिलामूर्ति का स्वरूप है, और बदान में जो डोली है नंदा देवी शिलामूर्ति राजराजेश्वरी का रूप है। तो यहाँ पर नंदा देवी और शिलामूर्ति, नंदा देवी का जो स्वरूप है वो दसोली परिमंडल में घूमता है और यात्रा करके नंदाजात पर जाती है। नंदाजात भगवान की शिव जब सती का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति ने अपनी छोटी सी कन्या को, महानाराज जी की प्रेरणा से भगवान शिव शंकर कैलाशवासी त्रिशूल में जो है शिव के लिए विवाह की थी, तो वही नंदा देवी की विदाई का समारोह नंदाजात है। नंदाजात पर हमेशा ही कभी भाद्रपद में कभी आश्विन में आभुक्ता भरण शुक्ल पक्ष की आमुक्ता भरण तिथि को सप्तमी की जात मनाई जाती है। वहाँ कैलाश वैदिनी में जाके, बालपाटा में जाके, देवांगन सप्तकुट में जाके नंदा की भावभीनी रूप से विदाई दी जाती है। फिर वहाँ पर षोडशोपचार से पंचोपचार से पूजा करने के बाद सारे लोगों के साथ हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा जागरण गीत गाए जाते हैं, मंदा को भावभीनी विदाई दे दी जाती है। कैशिव कैलाश पर कभी राजात्र हम 12 वर्षों में होती है तो महाराजात्र होती है, उसमें राजा के द्वारा प्रशासन से सारे रास्ते मार्गों के लिए सुधार के लिए सब वित्त प्रदान होता है, और उसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा ये वित्त विभाजित किया जाता है अलग अलग ब्लॉकों में, उसके द्वारा ये सभी सुधार आते हैं और फिर रास्ते बनाए जाते हैं। फिर डोलियाँ मंदिर से विदाई करके और सब भक्तों के द्वारा गांव शहर में, एक गांव से दूसरे गांव पैदल यात्रा के द्वारा, जब पुजारी नैष्टिक होते हैं, ये अपने कर्तव्यशील होते हैं, आचरणशील होते हैं, इनके पाँव में जूता नहीं होता, इनके सिर में पगड़ी या टोपी होती है, धोती लगा के चलते हैं, और इसी प्रकार माँ नंदा के कान्यकुब्ज गौड़ों के द्वारा ही माँ नंदा देवी सुपूजित होती है। अन्य भक्त इसी प्रकार से गर्भगृह में नहीं जा सकते, पूजा करते हैं भाव रूप से सामग्री के साथ, परंतु पूजा का जो आशीर्वाद होगा नंदा देवी के गौड़ ब्राह्मणी देते हैं। इस प्रकार से माँ नंदा का जो विषद है, राजात का जो समारोह है, एक बार नंदा देवी ने महाराजा जो तिहरी नरेश कहते थे उस समय, बहुत प्राचीन समय की बात है, मलेच्छों के द्वारा या मुगलों के द्वारा हमारा भारत देश परास्त होने जा रहा था। उस समय उत्तराखंड में मुगल लोग आ गए थे और कई प्रकार से उत्तराखंड के राजा बहुत पीड़ित थे। तब उन्होंने अपने वेद पाठी ब्राह्मण नोटियाल वंशज कोई थे, उन्होंने जो है उनसे मनोती करवाई कि हे महाराज, इस विपत्ति से यदि कोई देवी बचाने वाली है तो वो नंदा देवी है, आप नंदा देवी को मनोत कीजिए और हमको इस संकट से बचाइए। तो मैं इतिहास तो उतनी विस्तृत रूप से नहीं कह सकता, परंतु ये जरूर है जो कथन है हमारे पूर्वजों का, उसके आधार पर कहने जा रहा हूँ कि उस समय नंदा देवी की मनोती होने के बाद महाराजा जो थे उस समय उत्साह में आ गए और उन्होंने अंग्रेजों के शासन लेने सहायता लेकर के और मुगलों को परास्त किया, और फिर अंग्रेजों की सहायता से उत्तराखंड को अखंड राज्य के रूप में रखा और टेहरी नरेश बने। फिर माँ की मनोती की, और उधर से माँ की मनोती करने के बाद राजा महाराजा होते हैं, कभी कभी कोई अगर लक्ष्य की करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को करते करते भूल जाते हैं, राजा पर जो है वहाँ देवी का दोष हो गया, उन्होंने बताया कि देवी का दोष है। तो राजा ने फिर अपने राज्य में, क्योंकि वो सब संपूर्ण गढ़वाल के संपूर्ण उत्तराखंड के एक छत्रपति राजा थे, तो उन्होंने इस प्रकार से जो है मनोती कराई कि प्रभु मैं आपकी राजजात ले जाऊंगा कैलाश तक, होमकुंड तक, तो उसके सिर त्रिशूल
होम त्रिशूली में होम कुंड में जो है देवी माँ नंदा की दोनों डोलियाँ जाती हैं, दशम द्वार की डोली जाती है और हमारे उपगांव से भी छोटी छोटी डोलियाँ जाती हैं। हर गांव के भूमियाल जाते हैं, लाटू जाते हैं अपनी छतुरियाँ लेके, अपने जिनस्तों को लेके वहाँ पर भावभीनी रूप से महाराज जात में जो है त्रिशूली में जा करके होम कुंड के पास जाके देवी की अर्चना वंदना होम यज्ञ करके, और जब ही जब महाराज जात होती है उस समय चौसिंगा मेढा जो है कुंवर लोगों के यहाँ, जो कुंवर मानते हैं हम मतलब राजा के वंशज हैं, तो उन कुंवरों के यहाँ जो है चौसिंगा मेढा जन्म लेता है या नहीं हुआ तो कहीं से लेकर के वो 12 साल में इस जात्र को परिपूर्ण कराने के लिए चौसिंगा मेढे में भगवती की मान मनो की सामान जेवर अलंकार नाना प्रकार की चीज़ें भरपूर मेढे में रख करके और हिमालय पर्वत त्रिशूली में ले जाते हैं। वहाँ माँ नंदा की मनोती होती है, पूजा होती है, शिव कैलाश के लिए माँ नंदा की विदाई की जाती है, मानो कि शिव वहाँ गुफा में हो और माँ पार्वती सती जो है माँ नंदा को वहाँ शिव के सामने सौंपा जाता है, विदाई दी जाए और भावभीनी रूप से लोग सब जिनस्त देवी सब डोली को लेके और माँ को शरणांगत हो करके फिर डोली अपने क्षेत्र यहाँ में वापस आ जाती है। तो ग्राम कुरुण में माँ देवी की जो है यहाँ मैका माना जाता है। जब देवी आई थी कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मण आए थे दक्षिण भारत से, तो दक्षिण भारत आके वहाँ, ये तो पहले मैं आपसे कह चुका कि मुगलों के द्वारा राजकाज में अनेक प्रकार की अड़चने हुई थी, तो इसलिए माँ देवी वहाँ करके मतलब मठ मंदिर तोड़े गए तो उत्तराखंड के लिए देवी आई थी। जो पुजारी था मेन भौज कान्यकुब्ज वंशीय, उनको सपना दिया माँ ने कि यदि तुम मेरी पूजा करना चाहते हो तो मैं उत्तराखंड में कुंजाकोट में हूँ। कुंजाकोटि परम देव्या कुंजाकोटि निवासनी कुंजा च नंदा धामम कुंजाया वर्धते सदा। कुंजा देवी जो है वहाँ आओ, वहाँ कुंजाकोट में हूँ। तो वहाँ से कान्यकुब्ज गौड़ ब्राह्मण जो भी होंगे अपने वंश अपने बच्चों को लेकर के दक्षिण भारत से और सीधे सीधे यहाँ आए उत्तराखंड में, तो रास्ते में माँ ने जो है थक गए, अपने बच्चों के साथ आ रहे थे उनको पता नहीं चला, तो माँ ने सपने दिए बार बार कि आप पंडित जी आप भक्त तुम आते रहो, जहाँ मैं अपना दर्शन दूंगा ज्योति दर्शन दूंगा वहाँ तुम समझा कि मठ है मंदिर है। तो वह प्रकार से माँ आती रही और इधर से जो है भक्त आते रहे। माँ ने एक जगह झाड़ी कुंज झाड़ी के अंदर एक दिव्य ज्योति दिखाई और उस ज्योति को मान करके जो है पंडित जी को ये लगा, जो ब्राह्मण थे कांसव गोत्र के और कान्यकुब्ज गोत्र के, उन्होंने वहाँ पर देवी को माना। तो जब देवी को उन्होंने काफ़ी दिन तक पूछते रहे मन में भाव मिचंती देवता भाव रूप से, और धूप बत्ती जो पंचोपर तत्कालिक सुविधाएँ थी उसके द्वारा, तो बाद में चला कि देवी नहीं मिली है प्रत्यक्ष रूप से, तो उन्होंने अपना गौ का रूप धारण किया और बिल्कुल अपने गले में जो है जैसे गाय कील बंधन करते हैं उसी प्रकार से अपने को बंध गए। बाद में पता चला कि माता ने दिया कि ये भक्त जो है मुझको चाहता है, मेरे दर्शन करना चाहता है। तो उत्तर दक्षिण ये पूर्व तरफ से एक माँ आया मतलब वो भैंसा और पश्चिम से एक मेढ़ा। तो मेढ़ा आओ क्या हमारे सन्निकट गांव बोलते हैं कि नारंगी और खुनाड़ा इन जगहों से आ करके मेढ़ा और भैंसा आपस में लड़ा, तो भैंसा लड़ा लड़ा आज मेढ़े ने भैंसे को मार दिया और मेढ़ा फिर उस कील में बंधे हुए पंडित के पास जाता है। पुजारी जो हैं पुजारी वंश के हैं तो उनसे कहते हैं कि भाई यूँ शान करके अपने सिंगों के द्वारा कि वहाँ झाड़ी में जाओ, तो झाड़ी में पंडित जी जाते हैं उस कंडे कांटों को हटा करके, तो वहाँ बुध बल बिल्कुल जलाशय होता है, जलाशय के अंदर देवी की जो अष्टभुज शिला मूर्ति है जो दिव्य यहाँ प्रतिष्ठित है वही शिला मूर्ति वहाँ से उत्पन्न हुई है, इसलिए उत्पन्न देवी जो है जलाशय से निकली हुई है धरती से, इसलिए प्रतिष्ठा करके भक्तों ने यहाँ हमारे दसूली बदान नंदा क्षेत्रों के लोगों ने नंदा देवी को परम शिला मूर्ति के रूप माना है। और इसी प्रकार माँ की पूजा अर्चना वंदना नित्य प्रति यहाँ पर होती है। मैं सभी आस्तिकों से उत्तराखंड वासियों से माँ की प्रति आराधना करता हूँ कि सारे उत्तराखंड राज्य को अखंड राज्य बनाए और नित्य प्रति विकसित करते रहे, भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। बोले माँ नंदा देवी की जय। तो काफ़ी विस्तृत जानकारी पंडित जी ने हमें यहाँ पे दी जो कि हमें आज तक किसी को ज्ञात भी नहीं थी कैसे माता का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये आज माता नंदा के प्रांगण में बैठ करके काफ़ी
अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे माता नंदा देवी की डोली आप सामने देख रहे हो। मेरे साथ फिर से योगेश गौर जी हैं जो हमें पहले भी मिले थे। अगर आपको नंदा देवी की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और आपको दिखेगी माता नंदा देवी। जैसे कि आप देख रहे हो माँ नंदा के भक्त यहाँ पे पधारे हैं जो कि टिहरी से यहाँ पे आ रखे हैं और देखिए काफ़ी इनके चेहरे पे अगर दिख रहा है तो एक रौनक है यहाँ पे आके अलग सी। और उत्तराखंड दर्शन में आप सभी का स्वागत है, आप लोग भी हमारे साथ बने रहें, आपका धन्यवाद। आप यहाँ पे आए हो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आके माता नंदा के धाम कुरूड़ में, तो आप देख रहे हो माता का सुंदर सा भवन। और कल माता रानी यहाँ पे विराजमान हो चुकी हैं, आज हवन हुआ और आज के बाद माता सीधे एक साल के बाद यहाँ पे आएंगी फिर से और फिर से दर्शन देंगी सभी भक्तों को। तो अभी के लिए धन्यवाद और सभी उत्तराखंड दर्शन के जितने भी दर्शक हैं वो आगे से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे जो बाहर लोग हैं उनको उनके उन तक भी हमारी वीडियो पहुँचे और वो भी माता के दर्शन करें, वो भी यहाँ पर आएँ क्योंकि यादगार होती है सबकी। तो धन्यवाद सभी का।